हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 8 मार्च 2018 की प्रीलिम्स अपडेटर सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू और पीआईबी की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। आज का जो पहला आर्टिकल है वो आया है ईबीआरडी के बारे में। तो इंडिया है वो ईबीआरडी का मेंबर है, वो बन चुका है, उसको लेके आए। तो ईबीआरडी क्या है वो देखते हैं। ईबीआरडी वो है यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो इसको इंडिया मेंबर इसका बन चुका है, 69 इसका मेंबर बना इंडिया। और ये जो ईबीआरडी है ये मेनली बनाया गया था 1991 में। अब इसके बारे में जो बेसिक्स है वो देख लेते हैं। देखो ये ईबीआरडी है वो 1991 में उस इसलिए बनाया गया था मैंने यूरोपियन यूनियन और जो बाकी इसके मेंबर हैं उसके द्वारा, ताकि उस वाले एरिया में क्या हो कि जो कम्युनिस्ट का दबदबा बढ़ रहा था उस टाइम पे उसको कम किया जा सके। मतलब वहाँ पे कम्युनिस्ट का जो एरिया था वो बढ़ता जा रहा था, क्योंकि 1991 के टाइम पे ही आपको पता कि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था, तो इसलिए वहाँ पे सोशलिस्ट का भी काफ़ी बड़ा योगदान फैला हुआ था। तो इसीलिए इस बैंक का निर्माण किया गया ताकि कम्युनिस्ट स्टेट है वहाँ पर डेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट चलाया जा सके, वहाँ पर फंड है वो दिया जा सके। हेडक्वार्टर इसका लंदन में है। अब आजकल ये बैंक है ये सभी जो भी मतलब डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वहाँ पे फंडिंग है वो प्रोवाइड कराता है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे ले जाने के लिए काम है वो करता है। इंडिया में भी फंडिंग दी जाती है, ऐसी बात नहीं है। आसियान एशियन जो कंट्रीज हैं वहाँ पर भी, इसके साथ ही जो अफ्रीका की कंट्रीज हैं वहाँ पर भी ये डेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट वगैरह चला रहा है। एक इंपॉर्टेंट बात इसकी है कि यह जो ईबीआरडी है ये मेनली उन्हीं कंट्रीज को फंडिंग देता है जहाँ में डेमोक्रेसी बनी हुई है, उन्हीं को यह फंडिंग प्रोवाइड करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट जो न्यूज़ है या नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है सुखद यात्रा एप्लीकेशन के बारे में। सुखद यात्रा एप्लीकेशन है वो मेनली नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया है। यह इसलिए बनाया गया कि जब भी हम हाईवे पर ट्रेवल करते हैं तो हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना होता है। जैसे हमें ये नहीं पता होता कि हाईवे की क्वालिटी कैसी, हाईवे की भाई आगे टूटा फूटा हाईवे है किस तरीके का, कितना का टाइम लगेगा, इसके साथ ही नेस्ट है या नहीं है, इसका मिनी स्टोर अवेलेबल है नहीं है, प्लाजा वगैरह है नहीं है। तो उन सारी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करवाने के लिए यह एप्लीकेशन बनाया गया, ताकि जो भी कोई आदमी किसी भी हाईवे को ट्रेवल कर रहा था उसको सारी इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड उस एप्लीकेशन पे मिल जाएंगी, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब रियल टाइम डाटा मिलेगा कि हाँ भाई आगे ट्रैफिक को सारी इन्फॉर्मेशन रहेंगी। इसके साथ ही इंपॉर्टेंट फीचर ये होगा कि जो फास्टैग वगैरह परचेज करने का सिस्टम होता है वो भी इस एप्लीकेशन के द्वारा कनेक्ट रहेगा। फास्टैग के बारे में हमने पहले डिस्कस भी किया हुआ है, ये चीज़ हमने यहाँ पे बेसिक जो है वो डिस्कस किया। अब देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट है वो आई है जीईएससी के बारे में। क्या है जीईएससी वो देखते हैं, कंटेक्स्ट भी हम डिस्कस करेंगे, इसके साथ बाकी जो मुद्दा है वो देखते हैं। जीईएससी का मतलब है जेनेटिक इंजीनियरिंग अपीलियल अप कमेटी के बारे में। मुद्दा ये है या करंट जो न्यूज़ है वो ये आई है कि इंडिया है वो सोयाबीन का इम्पोर्ट करता है यूएसए से, और यूएसए में जो जीएम सोयाबीन है उसका उत्पादन किया जाता है। मतलब जेनेटिक मॉडिफाइड जो सोयाबीन है उसका उत्पादन है वो किया जाता है यूएसए में और इंडिया उसको इम्पोर्ट करता है। बट अभी इस बॉडी ने यह कहा है कि भाई वो हमारे द्वारा मतलब जो यूएसए से जो सोयाबीन इंपोर्ट किया जा रहा है जेनेटिक मॉडिफाइड वो हमारे द्वारा अभी एक तरीके से अप्रूव नहीं किया गया, तो इसलिए उसको आप एक तरीके से इंपोर्ट मत करो। क्यों एक तरीके से अप्रूव नहीं दिया गया, वो अप्रूवल इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि देखो अभी तक उसकी क्वालिटी टेस्ट वगैरह नहीं हुई है। और आपको पता कि इंडिया में जीएम क्रॉप्स को लेकर काफी बड़ा मुद्दा रहता है कि भाई जेनेटिक म्यूटेशन वगैरह हो सकता है कि उसका फ्यूचर में काफी बड़ा डिसएडवांटेज हो। तो काफी सारे रीजंस की वजह से इंडिया में जेनेटिक मॉडिफाइड जो क्रॉप्स हैं उनको अलाउ नहीं किया जाता है, तो उसको लेकर कंटेक्स्ट है। तो हम इस बॉडी के बारे में देखते हैं। यह जो जीईएससी जो बॉडी है वो मैं एक अपेक्स बॉडी है जो कि आती है एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री के अंतर्गत। अब ये क्या करती है, ये मेनली बायो सेफ्टी के लिए क्या करती है, रिसर्च वगैरह करती है, टाइम टू टाइम ट्रायल वगैरह आयोजित करवाती है ताकि देखते हैं कि भाई हाँ बायो सेफ्टी वो मेंटेन है या नहीं है। इसके साथ ही जीएम क्रॉप्स का जो इंपोर्ट वगैरह होता है उसके लिए भी मतलब रूल रेगुलेशन का मतलब यह कि उसको एक तरीके से अलाउ करती है कि हाँ भाई ये चीज़ आप अलाउ इंपोर्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते, उन सब के लिए काम ही ये बॉडी है वो करती है। मतलब जहाँ पे भी जेनेटिक्स इंजीनियरिंग लग जाती है क्रॉप्स के अंदर वहाँ पे बॉडी है वो काम करती है। तो ये इसके बारे में जो बेसिक चीज़ थी वो हमने देखी। इसके साथ ही एक इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि जो इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री है इसके अंदर का एक सेल है, उसका नाम है रूल फॉर मैन्युफैक्चरिंग यूज इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ हजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली इंजीनियरिंग ऑर्गेनिज्म और सेल। ये 1999 में सेल बनाई गई थी, इस सेल के अंदर इसका निर्माण है वो किया गया था। तो वैसे कि इतना लंबा नाम आपको याद वगैरह रखने की कोई ज़रूरत है वो नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो आई है इम्प्रिंट सेकंड के बारे में। तो IMPRINT सेकंड है क्या वो देखते हैं। इम्प्रिंट सेकंड का मतलब है इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी इंडिया प्रोग्राम। तो यह मेनली गवर्नमेंट के द्वारा प्रोग्राम चलाया गया है। कौन कौन है इसमें शामिल, वो है HRD मिनिस्ट्री, इसके साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च, इन दोनों ने मिलकर है प्रोग्राम चलाया। कंटेक्स्ट ये है कि गवर्नमेंट ने इसके लिए फंड है वो दिया है। तो सेकंड फेज इसका अभी स्टार्ट है वो है गवर्नमेंट ने 1000 करोड़ का फंड है वो प्रोवाइड करा है। क्यों, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को आगे ले जाने के लिए। अब इसमें होगा क्या, इम्प्रिंट सेकंड में इसमें ये होगा कि हमारे देश की जो पेन
आईआईटी और जो आईएएससी हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये क्या करेंगी, आपस में एक तरीके से सहयोग करके एक ब्लू प्रिंट है वो खाका तैयार करेंगी, ताकि भाई हमारी सोसाइटी में कौन कौन से एरिया में रिसर्च की जरूरत है, मतलब हर एरिया में देखो रिसर्च की जरूरत तो होती है बट अलग अलग तरीके से रिसर्च और इनोवेशन चाहिए होता है, तो उसके अकॉर्डिंग है तो एक तरीके से ब्लू प्रिंट खाका तैयार करेंगी कि हाँ भाई इस एरिया में इस तरीके की रिसर्च चाहिए, इस एरिया में ऐसा इनोवेशन चाहिए, उसके अकॉर्डिंग फिर आगे ग्रोथ है वो की जाएगी, और इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस तो यही किया जाएगा, इसके साथ ही हायर फंडिंग सपोर्ट है वो किया जाएगा छोटे इंस्टीट्यूट को भी। तो ये जो कंप्लीट न्यूज थी वो हमने यहाँ पे देखी। अब देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट जो न्यूज है वो आई है यस आई ब्लेड कैंपेन के बारे में। तो यस आई जो ब्लेड कैंपेन है वो मेनली इंटरनेशनल वुमेन डे जो कि 8 मार्च को मनाया जाता है, मतलब आज के दिन ही इंटरनेशनल वुमेन डे वो मनाया जाता है, तो उसके लिए आयोजित किया किसने, कौन सी मिनिस्टर ने, वो क्या है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर ने। यस आई ब्लेड है वो मेनली एक मेनिस्ट्रुअल हाइजीन कैंपेन है। मेनिस्ट्रुअल का मतलब ये होता है कि जो मासिक धर्म होता है फीमेल में या जो पीरियड्स वगैरह आते हैं उनकी हाइजीनिक के लिए अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम है वो चलाया गया है। अभी इसमें सैनिटरी प्रोटेक्शन वगैरह की चीज़ों पर भी फोकस किया जाएगा, तो ये कैंपेन के बारे में भी यूपीएससी पूछ सकती है कि वुमेन को लेकर जो इश्यूज होते हैं उन पर यूपीएससी काफ़ी ज़्यादा फोकस है वो करती है। तो अब हम देखते हैं कि एक बार जहाँ हमने क्या क्या डिस्कस किया उसके बाद हम बाकी चीज़ें रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हमने आज देखा इम्प्रिंट के बारे में, देखा इम्प्रिंट क्या था, वो था इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी के बारे में जो एक प्रोग्राम है HRD मिनिस्ट्री और इसी के साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के द्वारा। इसमें होगा कि भाई कौन कौन से एरियाज में हमारी सोसाइटी में रिसर्च एंड एरिया की किस किस तरीके से इनोवेशन की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग काम है वो किया जाएगा। गवर्नमेंट ने इसकी सेकेंड फेज के लिए 1000 करोड़ का फंड है वो एलोकेट किया है। नेक्स्ट जो न्यूज़ थी वो थी सुखद यात्रा एप्लीकेशन के बारे में जो कि बनाया गया है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। होगा क्या, इस एप्लीकेशन में सारी इन्फॉर्मेशन रहेंगी हाईवे से रिलेटेड, से कोई भी इंसान जैसे नेशनल हाईवे ए ट्रेवल कर रहा है तो उसके बारे में रहेगा कि भाई इतनी दूर के बाद में पेट्रोल पंप आएगा, इतनी दूर में खाने पीने की ये फैसिलिटीज़ हैं, टॉयलेट वगैरह हैं, ये क्रेचर्स वगैरह जितनी भी सारी फैसिलिटीज़ हैं वो सब की भी इन्फॉर्मेशन रहेगी। इसके साथ ही जो फास्टैग खरीदने का ऑप्शन है वो भी इस एप्लीकेशन में प्रोवाइड है वो करवाया जाएगा। टोल वगैरह कितनी दूर है, कितना टोल है, सब इन्फॉर्मेशन इसमें ऑनलाइन रहेंगी, तो उसके लिए एप्लीकेशन वो बनाया गया है। इसके बाद में हमने डिस्कस किया कि इंडिया है वो EBRD क्या है, यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसका मेंबर बन चुका है जो कि 1991 में बना था, और यह बैंक मेनली उन्हीं कंट्रीज को लोन देता है, उन्हीं कंट्रीज को डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट वगैरह चलाता है जहाँ पे डेमोक्रेसी बनी हुई है, डेमोक्रेटिक वैल्यू की एक तरीके से तवज्जो है वो की जाती है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। स्टार्टिंग में बनाया गया था कि भाई कम्युनिस्ट स्टेट है वहाँ पर भी कैपिटलिज्म को प्रमोट किया जा सके, हेडक्वार्टर इसका लंदन में। इसके साथ ही हमने देखा था GEAC जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अपेरल कमेटी है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अपेरल जो कमेटी है वो मेनली हमारे देश की कपेक्स बॉडी है, इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। काम ये है कि भाई बायो सेफ्टी के लिए GM क्रॉप्स आती हैं उनको एक तरीके से क्वालिफाई करते हैं कि हाँ भाई उनको अलाउ करना है नहीं करना, इन सब के लिए काम है वो करती है। GM क्रॉप्स का मतलब होता है जेनेटिक मॉडिफाइड जो क्रॉप्स होते हैं उनके लिए, मतलब उसमें जीन का कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस करके उसके बाद में जो भी नया जीन बना के जो नई फसल तैयार की जाती है उसको लेके, ताकि किसी भी इन्वायरमेंट वगैरह में बन सके। GM क्रॉप्स के बारे में हमने पहले काफी बार डिस्कस भी किया है। इसके साथ ही हमने बाद में डिस्कस किया लास्ट में वो किया था ISI ब्लेड कैंपेन जो कि मेनली वुमेन के लिए चलाया गया है इंटरनेशनल वुमेन डे के दिन, किसके द्वारा, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा। तो ये थी वैसे हमारी डिस्कशन। इसके साथ ही हम देखते हैं क्वेश्चंस जो कि हमारी कल की डिस्कशन के बेसिस पे, मतलब कल की या पीछे ही डिस्कशन के बेसिस पे हम क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं। तो अब आपको ये बताना है, क्वेश्चन है मेरा पहला वो है एनिमल वेलफेयर बोर्ड के बारे में। आपको ये बताना है कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड है वो रिसेंटली बनाया गया है जो कि एक स्टेचुरी बॉडी है। तो ये आपको बताना कि पहला स्टेटमेंट ये है, ध्यान से सुनना, पहला स्टेटमेंट है कि रिसेंटली इसका निर्माण हो किया गया जो कि एक स्टेचुरी बॉडी है। सेकंड स्टेटमेंट ये है कि है इन्वायरमेंट जो मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत यह आता है, इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो आपको बताना कि दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। आई होप आपने सोच लिया होगा पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत इसलिए है कि एक स्टेचुरी बॉडी तो है, बिल्कुल सही है क्योंकि पार्लियामेंट के एक्ट के तहत इसे बनाया गया है, बट गलत इसलिए है कि रिसेंटली नहीं बनाया गया, इसे बनाया गया था 1962 में। तो रिसेंटली तो होता तो 2015-16-17 ऐसे कुछ नियर बाई डेट हो, तो वो है नहीं, तो इसलिए स्टेटमेंट ये गलत हो जाता है। देखो यहाँ पे एक चीज़ सामने ही आई है कि एक तो यूपीएससी डायरेक्टली ये नहीं पूछ रही कि कौन से साल में इसका निर्माण किया गया था, इनडायरेक्टली यूपीएससी दो क्वेश्चन नहीं पूछ ली कि तो रिसेंटली बना था नहीं बना, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई बना नहीं था। इसके बाद में आपको ये पता होना चाहिए कि स्टेचुरी बॉडी थी या नहीं है। तो ये ऐसी तरीके से यूपीएससी आजकल क्या करती है, बड़े स्मार्ट तरीके से 2-3 क्वेश्चन को एक साथ मिक्स करके पूछने की पूरी कोशिश करती है। इसके बाद में देखते हैं, इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो है इंडिया बाय द नील फेस्टिवल के बारे में। तो आपको ये बताना है कि इंडिया बाय द नील फेस्टिवल है वो इंडिया के रिसेंटली न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया था, पहला स्टेटमेंट ये है, और दूसरा यह है कि यह मेनली होम जो फेयर मिनिस्ट्री है उसके द्वारा आयोजित किया गया था। तो आपको बताना है कि दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है।
देखो दोनों स्टेटमेंट ही गलत हैं, क्योंकि जो इंडिया बाय द नील फेस्टिवल है वो मेनली इजिप्ट के सेरियो सिटी में मनाया गया था, CARIO सेरियो सिटी में इसका मतलब होस्ट मनाया गया था। किसके द्वारा? यह मेनली होस्ट किया गया था, वो क्या गया था, इंडियन एम्बेसी के द्वारा इजिप्ट में। किस लिए? ताकि इंडिया का जो कल्चर वगैरह, खान पान वगैरह, डांस वगैरह, इन सारी चीज़ों के बारे में वहाँ पर एक तरह से मतलब अपनी वैल्यूज है वो क्रिएट किए जा सकें, तो उसको लेके जो इवेंट है, प्रोग्राम है, यह मनाया गया था फेस्टिवल। इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है वो डायरेक्टली आपसे ये बताना है कि सुभाष चंद्र ग्रह कमेटी किस लिए है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था काफ़ी बार। चलो आप एक गिफ्ट दो, अनिल काकोडकर कमेटी किस लिए आई थी? अनिल काकोडकर कमेटी थी वो आई थी रेलवे सेफ्टी के लिए। इसके साथ ही सुभाष चंद्र ग्रह कमेटी है वो आई थी कि भाई जो फाइनेंशियल सेक्टर है ना, इसके अंदर टेक्नोलॉजी का किस तरीके से यूज किया जा सकता है, उसको आगे कौन कौन से उसके ऑप्शन फ्यूचर में स्कोप हैं वो अवेलेबल हैं, उन सब के लिए बॉडी वो काम करेगी। तो ये हमने एक्चुअली कल है वो डिस्कस भी किया था। तो देखो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।